हेलो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर गौसिया। जैसा कि आप मेरा ये रूप देख रहे हैं, मैं जा रही हूँ अभी बाहर कुछ लेने के लिए। मेरी बेटी सो रही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटाई और फिर जल्दी से फिर लेकर आऊँगी मैं बाहर से, फिर आपको दिखाती हूँ। और मेरा लंच ब्रेकफास्ट सब मैंने निपटाया जल्दी जल्दी, और कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, अभी वो मेस है थोड़ा बिस्तर उस्तर, तो आके दिखाती हूँ आपको। मैं बेटी से भी मिलवाऊँगी और क्या लाई वो भी दिखाती हूँ। तो फिर बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और प्लीज़ स्किप ना किया करें, पूरा देखा करें मेरे वीडियो को, तभी आप इंजॉय करेंगे और आपको मज़ा आएगा। तो कीप वॉचिंग, और फिर मिलती हूँ मैं। आप देख रहे हैं जैसा मैं आ गई हूँ, अब इसे बैठा दूँगी और कपड़े फोल्ड करूँगी। ये कपड़े मैंने कल धोए थे और रात में सूख गए, और उतार के लाई और फोल्ड करूँ। और फिर ये देखिए, बहुत डर लगता है मेरी बेटी कहीं गिर ना जाए, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। और ये जानबूझकर साइड साइड में आती है। और ये देखिए, अब मैं कपड़े फोल्ड करूँगी और मैं बस बेडशीट दूसरे रूम का चेंज करूँगी, बस यही काम है। और इसके बाद मैं बेटी को फिटिंग कराऊँगी। फिर चलिए, तो देखिए आप, और मैं फोल्ड कर रही हूँ। ओके, तो दोस्तों देखिए मैं आ गई हूँ। मैं चूड़ी लेने गई थी दोस्तों, बहुत दिन से परेशान थी, डेली यूज़ के लिए चूड़ी ख़त्म हो गई थी और बाहर जाने को मिल नहीं रहा है, इसलिए अंदर में मैं गई थी लेने के लिए, तो चूड़ी तो मिला नहीं, बट एक कांच की ही है, कंगन टाइप का है, तो वही लेके आ गई।
और ये हर सुहागनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ रखता है। आप लोग भी एग्री करते होंगे मेरे साथ। और मेरी बेटी उड़ गई, हमेशा की तरह खेल रही थी भाई के साथ, तो मैं आपको दिखा दूंगी, क्लिप में जोड़ दूंगी, आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा। और बेड वगैरह भी मेस है तो उसे मैं अभी ठीक करूंगी। और सब काम हो गया मेरा, लंच ब्रेकफास्ट तो मैं बना कर ही गई थी, जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ, क्या करूँ, छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए। और देखिए क्या बोल रही है, हेलो एवरीवन बोल दीजिए, मां बोल दीजिए, देखिए स्माइल कर दी। तो दोस्तों प्लीज़ पूरा देखें, स्किप ना करें मेरे वीडियो को और इन्जॉय करें इसी तरह। और मैं आप दुआ करूंगी आप लोगों के लिए, आप लोग सब ठीक ठाक हो, आके खुद को आप हाथ धोइए, नहा लीजिए और बहुत अच्छे तरह से हाथ धोना है 20 सेकंड तक। आप लोग जैसा जानते ही होंगे न्यूज़ में, हर यहाँ तक कि यहाँ जो कचरे वाली गाड़ी आती है उसमें भी ये बोलते रहते हैं कि 20 सेकंड तक हाथ धोएं और एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखें। तो मैं जल जा गई, यहाँ तक कि कार में भी मैं सैनिटाइज़र रखी हूँ, जो है हमेशा हाथ को सैनिटाइज करती रहूँ। फिर आके हैंड वॉश वगैरह करके मैं बच्ची को छुई हूँ। और तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, और अपना ध्यान रखें तभी आप घर वालों का भी ध्यान रखेंगे। अगल बगल साफ़ सफाई बनाए रखें, हंसते रहें, हंसाते रहें, खुश रहें। तो यही दुआ के साथ फिर मिलती हूँ आपके अगले ब्लॉग में। तो फिर बाय।